नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काशी सर, इस केस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जज बहुत ईमानदार है, इसलिए बार बार तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। क्या बार बार तारीख तारीख? अरे ये सुबह सुबह कहाँ से पिट कर आ रहे हो? कल रात दावा जी ने बहुत मारा भाई, बहुत दर्द हो रहा भाई। क्या मारा उसने तुम्हें? वाह भाई, एक ही लाफे में हम बेहोश हो गए भाई। चुप बे भूतनी के। अबे रो रो के क्या बोल रहे हो, हंस हंस के बोलो। वाह क्या मारा है यार, मुंह तोड़ दिया है। वाह वाह, देखो शकल, देखो भारत का नक्शा बना दिया शकल पे। इधर आ इधर आ, क्या बड़ा काम किया है तूने, मेरी बात सुन। ये देख ये स्विमिंग पूल है, जा आराम कर। और तू इधर आ इधर, क्या 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 दांत तोड़ दिया तेरा? अरे फिकर मत कर, मैं हूं ना। ए इसके लिए 200 सोने के दांत मिला, चल जा। ए वकील साहब, एक आदमी को सजा करने के लिए कितने केस होने चाहिए? देखिए सर, चाहिए तो कम से कम 3 या फिर 2 भी चल सकते हैं। आप एक दे दीजिए, उसको 3 में बना दूंगा। अरे मेरा वकील भी मेरी तरह चालाक है। बहना डर मत, डॉक्टर का स्टेटस ऊपर आ रहा है, वो भी गुंडा बन रहा है। सोचो वो डॉक्टर गुंडा बनने के बाद कैसा लगेगा। सुंदर बेटा, ओ सुंदर बेटा, सुन कहीं और जगी चक्कर चला। दिल मांगो दे दूँ, दिल मांगो दे, क्या जाएगा तेरा क्या जाएगा रे। मस्ती भरी मेरी चढ़ती जवानी, दे तू तुझे रे कैसे भला। किस काम की है तेरी चढ़ती जवानी, दिल सजना रे बिन साजन रे। जा कहीं और जा कहीं और, दिल ना मिले रे दिल ना मिले। यू ना अकड़ दिल दे दे रे दिल दे दे रे। क्या जाएगा तेरा क्या जाएगा रे। वाले ये जान मुझसे मिलकर, कहीं पूछ ले रे कहीं पूछ ले, मैं हूँ दीवाना तेरा मान ले। माना तू मस्त है बड़ा जबरदस्त है, तेरा जवाब नहीं वाह वाह वाह। तुझको अपना कर डालू हाँ, अपने रंग में रंग डालू। क्या बोला रे फिर से बोल, सोच दिल तेरे नाम कर दूं। सुन दिल बरा ओ सुन दिल बरा, सुन कहीं और जाके चक्कर चला। ए ए आजा आजा जा 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 रे जा जा, ए ए आजा आजा जा रे जा रे, ए ए जना जना आ आ आजा आजा, ए ए जना जना आ, हे आ, हे चाहे प्यारा सा साहिबा, दिन रात प्यार 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 करेगा। इतना प्यार करूंगा हाँ, तू बोलेगी वाह रे वाह। जो तुमने बोला वो होगा क्या, ऐसा ना हो तुम दो दगा। ओ दिल बरा रे ओ दिल बरा, दिल ना लगा रे दिल ना लगा। दिल
मांगो दे, दो दिल मांगो दे, क्या जाएगा तेरा क्या जाएगा रे। मस्ती भरी मेरी चढ़ती जवानी दे तू तुझे रे कैसे भला। किस काम की तेरी चढ़ती जवानी बिन सजना रे बिन साजन रे। चकहिया चकहिया दिल ना मिले रे दिल ना मिले। यू ना अकड़ दिल दे दे रे दिल दे दे रे। दे, क्या जाएगा तेरा क्या जाएगा रे। गुंडे की गेटअप में सचमुच कितना कमाल का लगेगा वो। देखो वो आ गया है, अब उसे उसकी माँ के सामने ही अरेस्ट कर लेना, तब जाकर पता चलेगा उसे। एफआरआई बुक तैयार है मैडम, हम उसे पकड़ ही लेंगे। आओ माँ, टमाटर कैसे दिए? 500 रुपए किलो। कैसे 500 रुपए किलो? अरे भाई साहब, 1 किलो टमाटर का भाव बताओ। सर वही तो बता रहा हूँ, 500 रुपए किलो। क्या मजाक कर रहे हो है? टमाटर का भाव पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पूरे ठेले का नहीं। भी टमाटर के ही दाम बताए हैं। लौकी का भाव क्या है? 1000 रुपए की एक। क्या बोल रहा है ये? 4-5 हजार रुपए। ए, तू क्या बकवास कर रहा है? हर जगह टमाटर 5 रुपए किलो बिकता है। 5 रुपए में चाहिए ना तो माँ बेटे जाओ और नाले में से जाकर उठा लो। ए, जबान संभाल कर बात कर। हाथ उठाया उसने, यही अच्छा मौका है उसे अंदर करने का। मैडम उसे मारने दो तुझे, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। चलते जाओ यार, जाने कहाँ से मुँह उठा कर आ जाते हैं। जाओ, ये मेरे यहाँ एक ही दाम होता है, समझे? लेना तो लो, जाओ। सस्ता है साहब, ये ले लो, कोई टेंशन नहीं। भाई साहब ये गाजर कैसे दिए? 1 गाजर 100 रुपए। 1 गाजर अगर 100 रुपए का तो किलो का क्या हुआ? और किलो 1000 रुपए। इतना भाव क्यों बता रहे हैं? तुम सब लोग पागल हो गए क्या? क्या हो गया तुम सब लोगों को? तुम लोग यहाँ सब्जियाँ बेच रहे हो या सोना चांदी? दिमाग किसने बिगाड़ा तुम्हारा? तेरी माँ ने खिलाकर बिगाड़ दिया है। गाजर खरीदने की औकात नहीं है, आ जाते खरीदने के लिए। चुप कर। वो देखिए, उसने उसे मारने के लिए हथियार उठाया। मारने दीजिए मैडम, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में फंसा दूंगा। नहीं बेटा, हाँ सही कहा, यही कीमत है। वैसे गाजर खरीदने की मेरी औकात ही नहीं। स्नेक बाबू हमें भी तो दर्शन दीजिए। अरे भैया यहाँ तो आइए। क्या बोला? मुझे भाई बोला तूने? अरे इधर तो आइए भैया, बुला रहा है। तुम क्या बोलते हैं, जाऊं क्या मैं? हाँ तो जाकर देखिए ना क्या होता है। अरे तुम लोग भी आओ ना मेरे साथ, चलो चलो। आप जाइए, हम आ रहे हैं। चलो जाकर देखता हूँ क्या करता है। आइए ना। नमस्ते माची। नमस्ते भाई। तुमने उस दिन मेरी बहुत बेइज्जती की थी, उसी दिन तुम्हारी हड्डियां तोड़ देता, लेकिन तुमने मुझे भाई कहा, इसलिए आज तुम्हें छोड़ देता हूँ। बोलो क्या प्रॉब्लम है? मुझे माफ कर दीजिए, हाथ मिला। तुम प्रॉब्लम बताओ ना यार। भाई साहब आप यहाँ के काउंसिलर है, लेकिन आपके एरिया में अन्याय हो रहा है। मेरे एरिया में अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है। बताओ, 1 किलो टमाटर 500 रुपए। क्या टमाटर 500 रुपए किलो? और ये गाजर 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो? हाँ। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अच्छा ये है, ये पनवती कहाँ से आ गया? सारे खेल का सत्यानाश कर दिया। नहीं छोड़ूंगा, जानता है मैं कौन हूँ, सब गिरा दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, मैं कौन हूँ जानता है? नहीं छोड़ूंगा, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सब गिरा दूंगा। लूट मची है क्या? स्नेक बाबू मेरा नाम है। इधर आ, इधर आ। हाँ मेरे पास ले, महंगा बेचेगा और बेचेगा महंगा। टमाटर 500 रुपए किलो है, गाजर 1000 रुपए किलो, तू बेचता है ना? छोड़ूंगा नहीं मैं, एक एक को देख लूंगा। अरे स्नेक बाबू को जानता नहीं है, छोड़ूंगा नहीं, है किसी की हिम्मत? आ जाओ, आओ, कौन आता है? स्नेक बाबू है मेरा नाम। नमस्ते। हाँ नमस्ते, क्या है साहब? ऐसे ही अन्याय हमारे मार्केट में भी हो रहा है। अच्छा, वहाँ भी चलकर आपको सॉल्व करना होगा। ऐसी बात है, मैं अपनी शहर की जनता के लिए कहीं भी जाऊंगा, स्नेक बाबू है मेरा नाम, डरने वाला नहीं हूँ मैं। चलो, अरे चलो इसे। Nice girl.
लड़कियां भी अब मर्दों को किडनैप करने लगी। हाँ। मेरे जैसे नौजवान को किडनैप किया है। अब आपने मुझे किडनैप कर ही लिया तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। नाम क्या है तेरा? बाबू। स्नेक बाबू। इट्स मी। वाओ, नाइस स्माइल। अच्छा मुझे बताओ तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया खूबसूरत लड़की? मेरे मोती जैसे चमकते दांत, या फिर मेरा बलवान शरीर, या फिर हाथी के जैसे मेरी मतवाली चाल, या सूरज की तरह चमकने वाला ये मेरा चेहरा, या फिर मेरे पॉकेट में भरा हुआ मेरा माल, या मेरी गंभीरता, या मेरी फिर काउंसलर की ये सेठ। बोलो ना तुम्हें क्या पसंद आया, बोलो ना मेरी जान। नो 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 नो, अपनी भावनाओं पे काबू रखो। अब जब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो अपने प्यार को जाहिर करने में देर मत लगाओ। तुम अपने प्यार को मुझ पर जाहिर कर दो मेरी जान, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं और सब्र नहीं कर सकती। अरे अरे ये बातें तो जल्दी से शादी कर लेते मेरी डार्लिंग। अरे सब्र करने की क्या जरूरत है? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। आ जा आ जा आ जा आ जा। क्या हुआ? मैंने तो हाँ कह दी, फिर क्यों मार रही हो मुझे? अरे 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 मार रही। क्यों बे, कितनी मुश्किल से उसे गुंडा बनाने जा रही थी, सब पर पानी फेर दिया। आने के लिए कोई और वक्त नहीं मिला तुझे? ए, तुझे मेरे आदमी इधर उठाकर लाए तो तुझे क्या लगा कि वो तुझे मुझसे रोमांस करने के लिए लाए हैं? अब दिखाती हूँ मैं तुझे रोमांस का मजा। मैं तुझे नहीं छोडूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। अरे क्या कर रहे हो? अरे बंदूक मत दिखाओ, अरे बंदूक से मुझे बहुत डर लगता है। देखो अगर तुम मुझे बंदूक दिखाओगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। बोल रहा हूं, बोल क्या गड़बड़ हो जाएगा? मेरा सूसू निकल जाएगा, सूसू निकल जाएगा। भाग यहां से। देखिए आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था, आपके लोग मुझे उठा कर लाए थे। यही लोग मुझे उठा कर लेके आए थे, यही लोग मुझे लेके जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है, मैं देख लूंगा। अरे क्या कर रहा है? सांप की तरह हिल क्या रहा है, दिखता नहीं? तो बात नहीं करता क्या? किसकी बात करता? तेरी बात है, लेकिन तुझसे नहीं बोलूंगा। क्यों मुझसे नहीं बोलेगा? वो मेरी मर्जी है। बोलना। बोला ना मैं तुझसे नहीं बोलूंगा। तो फिर किसे बोलेगा? वो मैं माँ से बोलूंगा। अबे तेरी तो वो मेरी माँ है। मेरी भी माँ है। वो कैसे पता? मैंने उनके हाथ से खाना खाया है। ओ अच्छा, वेरी गुड, ये बात है। अच्छा हाथ मिला, चल हाथ मिला। कोई फायदा नहीं है, इस हाथ में जान नहीं है, बेजान हो चुका है। उस दिन तुमसे हाथ मिलाया था ना? छी, चल अब जल्दी बोल। बोला ना मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। अबे तू क्या? रुको, उनके गुंडा बनाने से पहले तुम खुद ही गुंडा बनना चाहते हो? क्या कहा? मुझे कौन गुंडा बनाना चाहता है? वही लोग। अच्छा बता, तुम जो कह रहे हो मैं तुम्हारी इस बात का यकीन कैसे करूं? क्या बोला? चलो फिर फोन नंबर दो। नंबर तुम्हारे पास है, तुम खुद ही फोन करके देख लो। हाँ अच्छा आइडिया है, लाओ फोन दो। अरे मेरा फोन क्यों ले रहा है? मेरा फोन। इस हाथ में अभी भी जान बची है ना? हेलो, बोलिए स्नेक बाबू। हेलो। हेलो, कौन है, कौन बोल रहा है? मैं भाई, ये झूठ बोल रहा है। नहीं मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब। वो अभी अभी मैंने सुना है कि आप मुझे गुंडा बनाना चाहते हैं, क्या ये बात सच है? आपको किसने बताया? मेरे पास में खड़े हमारे प्यारे स्नेक बाबू, उन्होंने बताया। ऐसा करिए आप खुद ही आ जाइए, अपनी आंखों से देख लीजिए ये स्नेक बाबू है कौन। हेयर स्टाइल पसंद है तो उड़ा दीजिए। लगता है ये मेरे को मरवाएगा। अरे इससे पहले कि वो लोग यहाँ आए, इससे पहले मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। भाग ले स्नेक बाबू, भाग ले, यहाँ से इसी में भलाई है। अच्छा मुझे गुंडा बनाने का आइडिया तेरा है, या फिर तेरी खूबसूरत बहन का प्लान है, या फिर तेरे बूढ़े बाप का? आइडिया बाप का हो, दादाजी का हो, नाना जी का हो, एक बात कान खोल के सुन ले, मैं कभी गुंडा नहीं बनूंगा। मैं तुझे 5 मिनट में गुंडा बनाकर दिखाता हूँ। 5 मिनट में? कहाँ भाग रहा है? ये क्या डॉक्टर, मैंने तो 5 मिनट कहा था, आप तो 2 मिनट में गुंडे बन गए। अरे क्या सॉलिड चिल्लाया है? मैं इतने सालों में एक बार भी ऐसे नहीं चिल्लाया। जरा देखो आंखें भी लाल हो गई हैं। थोड़े दिन रुक जाओ, हाथ में तलवार भी उठा लोगे।
जिस दिन मैं तलवार उठाऊंगा ना, उस दिन तुम्हारा सर अलग हो जाएगा। वो देख लेंगे डॉक्टर बाबू। दिखाई दूंगा। प्लीज बैठिए। माँ मेरी बात तो सुनो। तुम उससे बात मत कर। पर माँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया। माँ भैया कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, पहले इनसे पूछ तो लो। ए तू चुप रह, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं सब समझती हूँ। इसके और काशी के बीच कुछ चल रहा है, वो इसे गुंडा बना के छोड़ेगा? बता तू मुझे क्या समझाना चाहता है? काशी तुझे तलवार उठाने को बोल रहा है और तू उसकी गर्दन काटने को तुला है, ये सब हो क्या रहा है? तुझे गुंडा बवाली बनना था क्या? हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं, बता ना, गुंडा बवाली बनना चाहता है? तू जानता है आज उस गुंडे काशी की वजह से वो विश्वनाथ जेल में पड़ा पड़ा सड़ रहा है? क्यों बेटा, ये लड़की सुंदर है ना, तुम्हारी शादी के लिए इससे बात चलाओ। छोड़ो ना माँ, हम लोग यहाँ आए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, उससे बाद में भी बात कर सकते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं। आइए स्वामी जी। ठीक है बेटा। ओके। इधर आओ, इसमें लिखा है हमें साड़ी पहन के रखना। ए, क्या बात है? कुछ नहीं, बोल ना। इसमें लिखा है कि तुम्हें साड़ी पहनकर चलना होगा। साड़ी पहनना है तो पहन लूंगी। क्या तुम साड़ी पहनोगी? तो कौन सी बड़ी बात है? माँ तुम्हारे लिए लाया हूँ, खाओ ना। मुझे नहीं चाहिए। माँ शर्मा क्यों रही हो, खाओ ना। खाना प्यारी माँ, खाओ ना। तू खा, तू खा ना। आंटी क्या बात है? वो मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, मैंने आज तक नहीं पहनी, क्या आप पहना देंगी? आ मेरे साथ। ओके। संभाल क्या, संभाल क्या। अब ठीक है। अच्छा बेटी, साड़ी पहनना तुमने अपनी माँ से क्यों नहीं सीख लिया? मेरी माँ तो है ही नहीं। इसकी माँ नहीं है। मेरे बेटे के लिए बात चला के देखती हूँ क्या कहती है वो, पूछती उससे। देखने में तो सुंदर है। पता नहीं साड़ी पहनकर कैसे घूमती है। अच्छी लग रही हो, रंग भी अच्छा है ना? बेटी तुमसे बात करनी है। मैं कुछ मांगू तो इनकार तो नहीं करोगी? ए, मेरे पर्स से 100 रुपए निकाल। ठीक है आओ। क्या कहना है? मेरी बात पर नाराज नहीं होना तुम? ठीक है बोलो। कैसे कहूँ, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह रखूंगी। मेरा बेटा भी देखने में इतना खराब नहीं है, वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह रखेगा, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो। क्या कहा? मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो, तुम दोनों बहुत खुश रहोगे, मैं सच कहती हूँ। जानती हो मैं कौन हूँ? मेरा बेटा भी छोटा आदमी नहीं है। मेरा स्टेटस भी पता है तुम्हें? वो भी डॉक्टरी पढ़ रहा है, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे साथ इसने बदतमीजी की, अभी देखता हूँ इसे। छोड़ बेटा इसे, चलो यहाँ से। आप कौन है? मैंने क्या किया है? मेरा कसूर क्या है? यमराज हूँ मैं, तेरी माँ को लेने आया हूँ, उसके दिन भर गए हैं, समझा? मेरी माँ का क्या कसूर है? मेरी माँ ने पूछ लिया तो क्या गुनाह कर दिया? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा। आप कोई भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी तो मैं करूँगा। सड़क का भिखारी,
शादी करेगा ये। भाई इसको ठिकाने लगा दूं? रुको, आज मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी बहन के बारे में सोचने से क्या हाल होता है। अब इसका ऐसा हाल करूंगा कि ये खुद को नहीं पहचान पाएगा। उस दीपिका के खून के केस में इसको अंदर करवा दो और इसे उस केस में मौत की सजा होनी चाहिए। फुलझड़ी कहाँ जा रही है? ए, 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 रुक रुक रुक। ए, क्या बात है? हाँ, आज धक्का क्यों नहीं मारा? प्रॉब्लम क्या है? डर क्यों रही हो? जवाब दो। वेलकम पूजा, वेलकम। आइए आइए। क्या हुआ दीपिका, मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? कुछ नहीं, एक छोटा सा डाउट था मुझे। ऐसी कोई जरूरी भी बात नहीं थी। क्या डाउट है दीपिका? कॉलेज की खास स्टूडेंट पूजा, आनंद को कितनी बार धक्का मारा तुमने? ऑप्शन ए 45, बी 10 एंड सी 25। मिस पूजा, 10 सेकंड में मुझे आंसर दो। हेल्प चाहिए तो पूछ सकती हो, फोन अ फ्रेंड। सोच लो, सोच तू। सॉरी, मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम है। ऑप्शन सी 25। 25 टाइम्स तूने आनंद को धक्का मारा है। सॉरी दीपिका, सॉरी, अनजाने में धक्का मारा मैंने। ओ, अनजाने में धक्का मारा, कोई बात नहीं, मेरे आदमी जानबूझकर मारेंगे। प्लीज प्लीज दीपिका, मैंने ये अनजाने में किया। तू उससे प्यार करती है ये मुझे मालूम नहीं था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसे कभी धक्का नहीं मारती। नहीं दीपिका, नहीं, मुझे मत छूना। नहीं नहीं, मुझे मत छूना। नहीं, मैं उससे बात नहीं करूंगी, उससे दोस्ती भी नहीं करूंगी। बोलो ना दीपिका, बोलो ना दीपिका। नहीं दीपिका, नहीं नहीं दीपिका, नहीं दीपिका, नहीं नहीं दीपिका, दीपिका, दीपिका। छोड़ दो उसे, ये सिर्फ एक ट्राई था। दोबारा ऐसी हिम्मत की ना, भाग। आई चलकर मेरे हीरो से आंख लड़ाने। यस आनंद, वो तुम्हें बेपनाह प्यार करती है। उसकी आंखों में मैंने एक ज्वाला देखी है। तुम्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। वो पागल हो चुकी है। इट्स ओके, टेक इट इजी। इट्स ओके आनंद, यू टेक केयर, टेक केयर। भाई बहन मिलकर तुझे गुंडा बनाना चाहते हैं, मालूम है क्या तुझे? मालूम है, बोल। Thank you.
तुम लोग इधर जाओ और तुम लोग उधर जाओ। जाओ तुम लोग, ये अकेला 10 लोगों को मारेगा, कराटे यही है, देखना तुम लोग। अच्छा हुआ, अब मैं तुम्हें इस जगह पर मारूंगा तो पुलिस भी नहीं आएगी और केस भी नहीं होगा। वैसे मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम सब कितने बड़े गुंडे हो। चलो आ जाओ। असली हीरो। थैंक यू मास्टर। अरे छी, किसी को गुंडा बनाना कोई मुश्किल बात है क्या? किसी अच्छे आदमी को गुंडा नहीं बना सकते? बहना, अगर मैं चाहूं तो उसे गांजा बम के चक्कर में उठाकर अंदर डलवा सकता हूं, लेकिन उसके ऊपर गुंडे की मोहर लग जाएगी। लेकिन तू अपने दिल के अंदर उसे हीरो बनाकर बैठी है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। हे, इतने दिन से तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए नाकाम हो रहे थे। जाओ उसके फैमिली को डिस्टर्ब करो। कौन है तुम? मेरे लिए आरती की थाली लेकर आओ। तू है कौन? आरती क्यों लेकर आऊं तेरे लिए? सुनो ना माँ, ये जो बोल रही है वो सुन लो, नहीं तो तुम्हें आइसक्रीम खानी पड़ेगी। क्या आइसक्रीम खानी पड़ेगी, क्या बोल रही है तू? पहले अंदर तो चलो, मैं बताती हूँ, चलो ना। बोल। माँ, ये वही है जो भैया को टॉर्चर करती है। अभी यहाँ क्या लेने आई है? दूसरी कोई बात नहीं है, हम लोगों को टॉर्चर करने आई है। तुम सबसे पहले आरती की प्लेट लेकर जाओ। मैं क्यों उसकी आरती करूँ? हाँ मेरी बात सुनो ना, जाओ। गुड। इतने में खुश हो ना? चलो माँ। मैं कैसी दिख रही हूँ? बहुत अच्छी दिख रही है बेटी। शक्ल सूरत कैसी दिख रही है? बहुत अच्छी दिख रही है बेटी। आवाज कैसी है मेरी? बहुत मीठी आवाज है, बहुत अच्छी बात करती हो। मैं अच्छा गाती भी हूँ, सुनाऊं क्या? गाने वाने की क्या जरूरत है, बात करने से पता लगता है तुम बहुत अच्छा गाती हो। हाँ, exactly. मेरे में कोई कमी नहीं है। लेकिन चर्बी कम नहीं है? नहीं। फिर क्यों तेरे लड़के को मैं पसंद नहीं? बोल। तूने तो उसे पैदा किया है ना, तू जो बोलेगी वो सुनेगा, है ना? उसको बोलना कि आज मेरी बहू घर पे आई थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, अब तू उससे शादी कर ले। ये उसे समझा देना। समझाऊंगी बेटी। ठीक तरह से समझ गई ना, अच्छे से बता देना तू, नहीं तो तेरे बेटे को गुंडा बनने में वक्त नहीं लगेगा। स्टेटस की बात करता है, ऐसा स्टेटस बताऊंगी उसे
जैसे ये मछली तड़प रही है ना, ऐसे ही उसे पाने के लिए मैं तड़प रही हूँ। तेरे समझाने पर भी अगर वो नहीं समझाना तो ये जो मच्छी की हालत है ना।